पूरा अंदर का गेटअप सेटअप है। हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टी एस में मैं टिपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं जो दिखा रहा हूं फुलवाड़ी बस स्टैंड जो कि बन रहा है, तो काफ़ी दिन से बन करके रेडी है, लेकिन नया वर्क में जो है ये सब फूल पत्ती लगाया गया है। देखिए आप ये सब, रोड की भी चौड़ीकरण काफ़ी पहले से की गई है इस साइड से, और ग्रीनरी के मामले में देखिए बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। और इस साइड जो है कि रोड को काफ़ी चौड़ा किया गया है, ये जो एरिया देख रहे हैं आप, तो इस साइड गाड़ी घोड़ा के लिए जो भी हो, और इस साइड जो है कि परिवहन भवन है। वैसे इस साइड से देखा जाए तो सारी खूबसूरती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो भी ब्यूटिफिकेशन है वो इसी साइड है, इसीलिए जो है कि थोड़ा सा एंटी लाइट पड़ रहा है, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत ये फुलवाड़ी का बस स्टैंड बना हुआ है। अभी ओपनिंग नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द इसे ओपन कर दिया जाएगा। मैं इसे कई बार अपडेट दिया हूँ, मतलब स्टार्टिंग डे से ही इसका मैं अपडेट दे रहा हूँ कंटिन्यू, जब ये वाला भाग बन रहा था तभी से, और प्रेजेंट में भी यही रास्ता रहेगा परिवहन विभाग के लिए। और ये जो रास्ता देख रहे हैं टू लेन, तो ये बाकी ग्रीनरी के लिए होगा, और आगे जो है कि परिवहन जो लाइसेंस वगैरह के लिए जो प्रक्रिया होती है वो आगे में स्टार्ट है, वहाँ पर लाइसेंस की तैयारी के लिए जो सरकारी रहता है वहाँ पे मिलती है, जहाँ पे टेम्पो वगैरह लगे हुए दिख रहे हैं आपको। ये सब जो एरिया देख रहे हैं, ये जो बिहार का जो इलेक्ट्रिक बस है तो यहीं पे चार्ज होती है, ऊपर में सोलर प्लेट पे आपको लगा हुआ मिलेगा, दिख रहा होगा, यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट है। और इस तरफ जो देख रहे हैं येलो और बैगनी कलर का बस भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक बस जो चलती है तो वो यहीं चार्ज होती है, और मरम्मत वगैरह भी यहीं होती है। बाकी इन सब जगह पर वर्कशॉप वगैरह रहेगा, वर्कशॉप हो गया, मेंटेनेंस हो गया, बिहार का परिवहन विभाग का टोटल डिपार्टमेंट जो है जो गांधी मैदान में है वो उत्तर यहाँ चली आएगी। इससे जो है कि मेन छपरा, सिवान, औरंगाबाद इन सब जगहों के लिए गाड़ियों के लिए इसे स्पेशल बनाया जा रहा है, क्योंकि या यूँ कहें कि बिहार के पश्चिम साइड के लिए, पश्चिमी साइड के लिए जो भी गाड़ियाँ रहेंगी वो यहीं से खुलेंगी और जाएंगी, क्योंकि बिहार में 3-4 जगह बस स्टैंड बन रहा है। पटना में एक पटना बस स्टैंड तो उठ के चला आएगा, फिर बैरिया हो गया, फिर कन्हौली हो गया, तो मैं सारे बस स्टैंड का अपडेट कंटिन्यू करता रहता हूँ। ये अभी ऐसे तो स्टार्ट होने वाला था बहुत पहले ही, लेकिन अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, बहुत जल्द इसे ओपन कर दिया जाएगा। ऑलमोस्ट देखा जाए तो कंप्लीट है, बस ओपनिंग की देरी है, शायद किसी डेट का वेट किया जा रहा हो। अब बड़ा ही देखिए सब जो देख रहे हैं आप, तो गाड़ियों का रख रखाव के लिए बनेगा और मरम्मत के लिए बनेगा, तो देखिए कितना बड़ा वेयर हाउस है, गाड़ियों का वेयर हाउस था। और इस साइड देखिए ये है मेन बिल्डिंग जहाँ पे टिकट काउंटर वगैरह होगा। फ्यूचर में जैसे जैसे इसका अपडेट होगा मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा। और इस साइड जो देखिए आप, और यहाँ पे जो है कि गाड़ियाँ लगेंगी, ये सब जो देख रहे हैं खाना, और ये मेन भाग है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, क्योंकि एक भी मजदूर नहीं लगे हुए हैं। और ये यहाँ पर पैसेंजर वे है जो आप देख रहे हैं, इस पर गाड़ियाँ लगेंगी और जिनको चढ़ना होगा वो चढ़ेंगे सारे तरफ से। तो यही एक छोटा सा अपडेट मैं देना चाहा आप लोगों को, अपने माध्यम से कुछ बताना चाहा फुलवाड़ी बस स्टैंड का। फिर जैसे इसका ओपनिंग होगा वो भी मैं दिखाऊंगा। तो चलिए अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूंगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। कुछ इसका अंदर बाहर से भी लुकिंग दिखा दूँ, कैमरे की भी व्यवस्था अच्छी खासी है, और गाड़ी का तो हाइट देख ही सकते हैं आप, मतलब यूँ कहें कि एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ बस स्टैंड है, और एक पायदान भी लगेगा तो लोग आराम से चढ़ जाएंगे इस पर, किसी तरह की दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इस तरफ से भी आप बाहर निकल सकते हैं, मैं चलूँगा इसी साइड से घूमते हुए। तो देखिए पूरा अंदर का गेटअप सेटअप है, विकलांगों की भी सुविधा यहाँ रखी गई अच्छी खासी। इस साइड जो देख रहे हैं आप, चेयर वगैरह बैठने की व्यवस्था सारी व्यवस्था की गई है, विकलांगों का ध्यान रखते हुए। चलिए अब तो मैं निकल गया बाहर, यही एक छोटा सा गेटअप सेटअप था जो मैं आपको दिखाने की कोशिश किया और बताने की कोशिश किया।